विजयवाड़ा में जो एयरपोर्ट है उसके पास ये न्यू फ्लाइट रेस्टोरेंट खुला है। तो ये जो फ्लाइट आपको पीछे दिख रही है इसके अंदर जो है रेस्टोरेंट है। तो कैसा है क्या है हमें भी नहीं पता है, पहली बार आए हैं। और यहाँ पे जो है छोटी छोटी कॉट्स टाइप की लगा के रखी है, देख रहे हो आप बाहर। और अभी अंदर बिल्कुल फुल है और वेटिंग पीरियड जो है 30 मिनट्स का है। अगर आपको अंदर एक्सपीरियंस करना है तो आप अंदर जाके खा सकते हो। ऑफकोर्स रेस्टोरेंट है तो अंदर ही खाओगे। अगर इफ़ यू आर फाइन विद यू नो बाहर का सेटअप तो आप यहाँ पे भी जो है घाट बाट लगी हुई है, वहाँ पे इसे फूड लेके आके खा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे बच्चे जो है छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं एंड वहाँ पे क्रिकेट का ये लगा हुआ है। जो पहली बार आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जस्ट चेकिंग इट आउट। सो लेट मी शो यू कि ओवरऑल कैसा है। ये देखिए, ये रहा हमारा फ्लाइट रेस्टोरेंट। अंदर बाद में दिखाऊंगी, पहले नीचे नीचे क्या क्या है वो सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। तो यहाँ जो एल शेप में जो है ऐसे खाट लगी हुई, दीवान कॉट्स जो होती है ना वो लगी हुई हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो गाड़ी चलाने का, आदित्य वहाँ सीढ़ियों पे लटक रहा है। एंड अभिषेक जैसे ही गाड़ियाँ और ये बाइक देखता है वैसे ही टेम्प्ट हो जाता है। एंड बचपन से ये दोनों लाइक आदित्य एंड अभिषेक हमेशा ज़िद करते रहते थे कि ऐसी कार ख़रीद के ला दो या बाइक ख़रीद दो। बट जब उसको लेते हैं तो एनफ स्पेस होना चाहिए घर में चारों तरफ चलाने के लिए। अगर स्पेस नहीं है तो पहली बात तो उसको घुमाना वुमाना मुश्किल होता है, दूसरी घर में जो भी चीज़ लेके आते हैं 2 दिन के बाद नॉर्मल हो जाता है और बच्चों का उस पर इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। कभी कभी जब बाहर जाते हैं तब यूज़ कर ले, इस तरह से जैसे अभी कर रहा है अभिषेक वही बेटर है। तो आदित्य यहाँ पे बॉलिंग कर रहा है। तो आदित्य की बॉलिंग बैटिंग दोनों ही अच्छी है और वो क्रिकेट के लिए बड़ा बावला बना फिरता रहता है, जहाँ पे भी क्रिकेट दिखता है वहाँ पे पहुँच जाता है। सो यहाँ पे बॉलिंग करने लगा। शायद अभी बैटिंग का कुछ अवेलेबल नहीं था, टाइम 8 ऐसे कुछ बच गए थे। सो हमने ये भी अवेलेबल है करके हमको पता नहीं था, हम लोग तो ओनली जो ये रेस्टोरेंट है उसको देखने के लिए आए थे। तो यहाँ पर ये बॉलिंग कर रहा है एंड मैं भी थोड़ा चारों तरफ क्या क्या है वो देख के एक्सप्लोर कर रही थी। मे भी दिन के टाइम पे होता है कि नहीं पता नहीं, अभी रात के टाइम पे तो ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। यहाँ पे बुमराह बॉलिंग चल रही है इसकी। और यहाँ पे बाहर जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये फालूदा है, डिफरेंट फालूदास है। उसके बाद साइड में यहाँ पे जो स्नैक आइटम्स जैसे होते हैं ना वो सब है एंड अचार वचार वो भी थे थोड़े से। एंड यहाँ पर ये है अपना रेस्टोरेंट। सो सेम जैसे अपने फ़्लाइट रहती है, एयर इंडिया वाली फ़्लाइट लग रही है ये। सो सब कुछ एज इट इज़ है। सीढ़ियाँ यहाँ पे अलग से ऐसे लगाई हुई है। सो जब मैं ऊपर जा रही थी तब मुझे किसी ने रोका नहीं, तो आई वाज लाइक कि देखने के लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं ना, तो मैं भी जाके मतलब देखने के लिए ऊपर चलेगी। ऊपर से आपको व्यू दिखा रही हूँ। एंड ये है इसका एंट्रेंस गेट। सो नॉर्मली तो जो असलल वाली फ़्लाइट होती है उसमें थोड़ा सा अलग सा दिखता है, मतलब फ़्लाइट का एंट्रेंस तो यही है लेकिन थोड़ा सा अरेंजमेंट ऐसा किया तो थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। सो यहाँ पे आप सीटिंग देख सकते हो, एक साथ बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, गैप नहीं है, मतलब चिपका के सारा वैसा है। बट ओवरऑल एक अच्छा लुक तो दिख ही रहा है। अंदर अगर मैं बताऊंगी नहीं आपको कौन सी जगह है तो प्रोबेबली आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि ये प्लेन में ही है। कहीं बाहर भी शायद किसी हॉल में, लंबे से हॉल में ऐसे अरेंज किया वाली फीलिंग भी आ सकती है। तो अंदर जो है थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन है वो किया है, AC लगा हुआ है एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। तो थोड़ा सा मैंने ग्लिम्पसेस लिया क्योंकि सब लोग खा रहे थे, कोई एम्प्टी प्लेस थी नहीं कि जाके बैठ पाएँ। तो ये है ऊपर से नज़ारा। एंड जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि अभी ये क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ये भी मेरे हस्बैंड भी पहुंच चुके हैं और आदित्य को जो है बॉलिंग करा रहे थे। तो बैट भी था, पहले वो बोर्ड नहीं था, बाद में वो चीज़ें लगा दी। तो इसने थोड़ी बैटिंग करी, इन्होंने 2-4 बॉलें डाली उसको। और उसके बाद जब मैं नीचे आ रही थी वो देख के जो है ये भी आ गए। तो बहुत बड़ा प्लेस नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए। एक्चुअली जैसे कुछ एक मेन सेटअप रहता है उसके चारों तरफ 2-4 चीज़ें लगा देते हैं कि चलो भाई लोग इसको देखने के लिए आएंगे तो ये वाला भी थोड़ा जो है चल पड़ेगा टाइप। तो वैसे इस हिसाब से ये कार बाइक एंड वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये रहा प्लेन रेस्टोरेंट। ऊपर तो मैं आई हूँ लेकिन अंदर बिल्कुल भी खाली नहीं है, जो भी सीट्स है वो ऑलरेडी रिजर्व है। एंड अंदर जो है नॉर्मल से टेबल लगा के रखें, बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं है, एक डिफरेंट टाइप का है तो लोग तो विज़िट करेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अंदर AC अच्छा खासा लगा हुआ है। सो अभी तो खाली नहीं है, तो वेट करना है कि जाना है। वेट करने में तो जो नीचे भैया जी हैं वो बोल रहे हैं कि 45 मिनट लगेंगे। सो 45 मिनट्स वेट करना है या जाना है। नाइस। वहाँ से तो अभी हम लोग निकल गए क्योंकि इतना ज़्यादा रश था और 45 मिनट्स वेटिंग के बाद अगर अभी ऑलरेडी 8 के 8:30 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं 8, 8:30 हो रहा है और वेटिंग पीरियड 8:40 हो रहा है अभी। तो वेटिंग पीरियड उन्होंने जो है 45 मिनट्स बोला है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। और उसके बाद कब आएगा खाना, तो यहीं पे 12 बज जाते करके। तो हम जस्ट देखने के लिए आए थे, अगर होता तो, क्योंकि आज जो है संडे है सो खा के भी चले जाते, बट चलो नहीं हुआ। इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि जो वीकेंड्स है उस टाइम पे यहाँ पे नहीं आना है बिल्कुल, बिकॉज बहुत रश होता है। और दूसरा होली की वजह से जो 4 दिन की छुट्टियाँ पड़ी थी उसके वजह से भी ये जो है एयरपोर्ट के पास में है, तो एयरपोर्ट के पास में तो आने जाने वाले लोग जो है छुट्टियों के दिन ज़्यादा रहते हैं, तो उसकी वजह से भी पार्किंग भी फुल हो रखी थी। ऑब्वियसली जब अंदर फुल है तो पार्किंग फुल ही होगी ना, लॉजिक। सो वीकडेज में आना चाहिए, वीकेंड्स में यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्पेशल टाइप के रेस्टोरेंट जो है विजिट करने के लिए थोड़े दूर दूर से भी लोग आते हैं, इसीलिए वीकडेज ही बेटर है, थोड़ा खाली मिलेगा। अदरवाइज अंदर तो बहुत कुछ हाई फाई है नहीं, नॉर्मल जैसे टेबल चेयर लगी हुई है मैंने जैसे आपको दिखाया, बट थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस कि भैया प्लेन के अंदर ऐसा रेस्टोरेंट है, तो कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, जिसने भी जो है सोच के बनाया है। मे भी जैसे कुछ प्लेन शायद ख़राब होते रहेंगे ना, वो ख़राब हो जाते हैं, कंडम हो जाते हैं, उसको इन लोगों ने इस तरह से यूटिलाइज किया है।